तो दोस्तों मैं एक फार्म पे हूँ जिसका नाम NPB डेयरी फार्म है, जो बिहार के पालीगंज यानी पटना जिले के अंदर है। और आज से लगभग इस फार्म के 6 महीना पहले हम लोग वीडियो किए थे और काफ़ी परेशानी हाल में ये फार्म था, जो कि हम लोगों ने अपना अपना एक एक्सपीरियंस के अनुसार अपनी एक सलाह दी थी, उसके हिसाब से इन्होंने अपने फार्म को डेवलप किया। और क्या क्या अच्छा हुआ है इस फार्म के अंदर, कैसे बेनिफिट में आए, अपने फार्म को लाए, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फार्म के ओनर से मिलवाने से पहले मैं आगे का लुक दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बांस से जो घेराबंदी की हुई है, इसमें भी गाय को खुला छोड़ते हैं और आगे इनका हरा चारा नेपियर के रूप में और मक्खन ग्रास के रूप में देखने के मिल रहा है। और भी काफ़ी सारे जगह पे इनका हरा चारा लगा हुआ है और हर एक व्यवस्था के साथ अपने फार्म को चला रहे हैं। तो आइए फार्म के ओनर से मिलवाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? धन्यवाद आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका नाम और एड्रेस जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजय कुमार संजीव हुआ और पटना जिले के पालीगंज प्रखंड के धरहरा ग्राम में से। ओके, कितना दिन पुराना है ये फार्म? 2022 में मतलब 26 जनवरी को ओपनिंग हुआ था। हम लोग लगभग 6 महीना पहले भी आए थे और 6 महीना पहले जब आए थे तो काफ़ी परेशानी थी और काफ़ी आप लोगों को हमने समझाया था, आपके भतीजे साहब भी छुट्टी पे थे, उनको भी बताया था और बहुत कुछ आपने चेंजेस किया। बिल्कुल। कैसे गुजारे पहले वाले भी कुछ दिन बताइए, क्या क्या दिक्कतें आई थी, उसके बाद कैसे गुजर रहा है उसके बारे में बताएं। पहले जो खरीदा गया था तो हम लोग जानकारी नहीं थी, क्योंकि लगभग 1 साल 4 महीना हुआ इस डेयरी का शुरुआत, 26 जनवरी को ओपनिंग हुआ था और अभी मार्च खत्म पर है, तो जानकारी नहीं थी। इस वजह से हम लोग देहात से गाय खरीदे जो कि 12 किलो 14 किलो वाला, और कुछ ब्रोकर से भी खरीदे, उसमें बहुत परेशानी हुई। और अपने मन से जो चोकर खल्ली चुनी जो देते हैं ये सब दे रहे थे, तो उतना लाभ नहीं मिल पा रहा था। जिस हिसाब से हम लोग ने लेबर का भी कॉस्ट था वो सब रखे थे तो लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जब आप आए और कुछ सजेशन दिए तो उसके अनुसार अमल किए तो अब कुछ लग रहा है कि कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या क्या अमल कर रहे हैं, कैसे गुजार रहा है, पूरा बताइए। जैसे कि एक बात बताइए, जैसे आपने कहा था कि ये जो गाय सब लिए हैं 5 किलो 6 किलो वाला एक टाइम, मतलब 12 किलो 14 किलो वाला, ये डेयरी मिल्क के लिए सूटेबल नहीं है। डेयरी के लिए कम से कम तो 20 किलो चाहिए तो तब डेयरी सक्सेस हो सकता है। तो हमने चेंजिंग किया, जो था 5 महीना 6 महीना दूध लिया, उसके बाद सब गाय को हटा दिया। उसके बाद ये सब जो गाय देख रहे हैं ये सब गाय हमने 20 किलो ऊपर वाला लाए और अभी ठीक ठाक चल रहा है। फिर दाना के बारे में जो आपने बताया था कि कोसी पशु आहार हमारा खिलाइए तो खिलाए, और एक और पहले दिक्कत थी कि बहुत मतलब थनैल हो जाता, थनैला। सर हमने ये नहीं कहा था कि कोसी ही खिलाएं, हमने ये कहा था कि संतुलित पशु आहार बना बनाया हुआ खिलाएं। हम लोग कोसी खिलाते हैं, हमने जोर नहीं डाला था आपको कोसी खिलाएं। और आपने आप मेरे कहने से ना आकर कोई और फीड भी खिलाया। हाँ खिलाया है ना, आप लोग वहाँ भी गए। हाँ, कैसे क्या फर्क पड़ा, वहाँ गए फिर उसके बाद इसमें आए तो क्या समझ में आया उसमें और इसमें? था दूध तो था सही, लेकिन उसके पैखाना में दाना आ जा रहा था। ओके, और इसके गोबर में दाना नहीं है? गोबर नहीं, दाना नहीं है, गोबर में दाना नहीं है। ओके, उसमें दाना आता था, साफ साफ झलक रहा था एकदम पूरा। कितना कितना दिन वो उस फीड को खिलाए? 1 महीना लगभग खिलाए, 1 महीना उसको खिलाए। और कोसी कब से खिला रहे हैं? कोसी तो लगभग 4 महीना हो गया, 3 महीना 4 महीना 7 महीना 4 महीना 3 महीना लगभग जनवरी से। हाँ जनवरी से, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना तो कंप्लीट हो गया एकदम श्योर। और चौथा महीने के लिए एक गाड़ी पूरा माल आपका अंदर में रखा हुआ? हाँ पूरा 60 पैकेट मंगा लिए एक ही बार ना, चलेगा 1.5 महीना चलेगा उसका भी। तो सबसे पहले दाने की ही जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो दाने के बारे में ही बताइए कि पहले जो आप महीने का दाना कितने का खिलाते थे और कितना गाय था, और अब कितने का महीने का दाना यूज़ कर रहे हैं और कितना गाय है? उस समय भी गाय हमारा 12 गो था, अभी भी 12 गो गाय है। और थोड़ा सा फर्क है, मतलब उस समय 60-65 हज़ार का दाना था, अभी भी उतना ही चल रहा है 70 हज़ार के आसपास सब मिला करके। सब मिला करके लगभग महीने का 70 हज़ार का दाना खाती है? हाँ, हाँ। और उसमें लगभग 60 से 65 हज़ार का खाती थी? बिल्कुल, मतलब 5 हज़ार का डिफरेंस है। हाँ डिफरेंस है।
ठीक है, लेकिन क्या समझ में आया, 5000 में कहीं ना कहीं आप फायदे में है कि घाटे में लग रहा है? नहीं, फायदे में लग रहा है। कैसे फायदे में लग रहा है? कि उस समय इतना बीमारी हो रही थी, इतनी बीमारी हो रही थी, दाना खिला रहे थे तो कभी थनेला हो गया, तो कभी बहुत तरह का सारा हो गया, बहुत तरह की बीमार हो गया, बहुत तरह का था प्रॉब्लम। लेकिन अभी जो हम 3 महीने से हैं तो अभी सब ठीक ठाक है, कहीं एक दिन ही बीमार नहीं गाय पड़ी। पहले मंथली खर्चा कितना होता था बीमार का? 15-16-20 तक गया था मेरा खर्च महीने में, बीमारी में गाय बीमार होने में। कई बार दो बार तीन बार रिपीट हो गया, थनेला हो गया, फिर सारा हो गया दो तीन बार गाय को, तीन गांव गाय हम डेट भी किया, तो अभी मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है। कितना खर्चा होता है अब दवा में? दवा में अब कहाँ, मतलब 1000 रुपया के लगभग आसपास, ऐसे तो छोटा मोटा है सब। 1000 रुपया कोई तो बड़ा चीज़ नहीं है, वो तो आदमी में भी थोड़ा बहुत लग जाता है। मतलब संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं बिल्कुल, यानी कि उससे तो फायदे में हो गए आपको? हाँ बिल्कुल फायदे में, दूध की भी बढ़ोतरी है, दूध का भी है, मतलब घट बढ़ता था, अभी होता था, अभी संतुलित आहार सब दे रहे हैं तो सब ठीक ठाक चल रहा है। अब मिलाने का भी टेंशन रहता होगा कि इस गाय को कितना दें, वो नहीं दें, ये मिलाया मिल रहा है? सही बात है, ये सब सही है। अच्छा, कभी ऐसा भी शक होता है कि मेरे फार्म का दाना अलग आता होगा और आपके फार्म का लिए अलग बन रहा रख के देते होंगे? ऐसा कैसे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। आप तो मेरे यहाँ से भी मंगवाए हैं दाना? हाँ, बिल्कुल हाँ। और वहाँ और कंपनी से डायरेक्ट भी मंगवाए हैं? डायरेक्ट मंगवा रहा हूं। तो दोनों में कुछ अलग रिजल्ट लगा? नहीं, वो सब सब समान है। मैं सुना हूँ ऐसा लोग कह देते हैं कि एजाज जी के लिए अलग दाना बनाते हैं कोसी वाले और दूसरे के लिए अलग। आपके यहाँ से तो हम कई बार के कितना पैकेट लाए और वहाँ से मंगा रहे हैं तो सेम तो आ रहा है, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे जैसे कि आपकी गाय के बारे में, आपने बताया कि लगभग 5-6 गाय हमने खरीदी है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो 4-5 गाय है कितना दिन पहले खरीदा हुआ गाय है? ये सभी? ये सब 3 महीना के अंदर में ही खरीदा है। 3 महीना के अंदर में है। बॉडी जितना इतना इतना ही थी कि और ज्यादा मोटी तगड़ी थी? नहीं, लगभग इतना ही था, थोड़ा सा डाउन पहले से बढ़ रहा है। मतलब फीड खिलाने का मतलब मेरा ये पूछने का है कि फीड खिलाने के बाद बॉडी कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? नहीं, कम नहीं हो रहा है, ज्यादा ही हो रहा है। कम नहीं हो रहा, ज्यादा हो रहा है। इन सब का दूध कितना है? सब 20 से ऊपर है। 20 से ऊपर है? यहाँ ये भी 20 लीटर लगभग करती है, ये भी लगभग, मतलब 20 के लगभग लगभग में चारों दूध ज्यादा करती है। कितना? ये थोड़ा 20 से 22 तक भी चल जाती है। 22 तक भी जाती है? अच्छा, ये व्हाइट कलर में। अगल बगल से ही खरीदा है आपने? हाँ, आरा साइड से खरीदे थे, आरा तरफ से खरीदा है। थोड़ा सा फार्म के अंदर मैंने आया था तो बताया था कि ये फार्म आपने एक हॉल बना रखा है, जो कि फार्म का एक तरीका ये होना चाहिए कि हवादार होना चाहिए। इसमें आपके यहाँ हवा इन नहीं कर रहा है, जो कि मैं उस टाइम ही बताया था आपको, तो क्या उसके बारे में सोचा गया, क्यों चेंज नहीं किया? सलाह दिए थे लेकिन थोड़ा सा मजबूरी हुआ, काम लेबर नहीं मिलने के चलते, मिस्त्री के चलते, वो ऊपर का पार्ट था, सो कहे थे कि आप खुला छोड़ दीजिए, तो करा लेंगे, अगले बार आइएगा तो मिलेगा आपको सही ढंग से। अगले बार मिलेगा? ओके। अब हमने ये भी बताया था कि देखिए सूखा खिलाना बहुत ज़रूरी है, सूखा नाद में सूखा डालें ताकि उससे जो भी कंकड़ वंकड़ जो रहता है वो दाना गाय में नहीं खा पाती है, जो भी भूसे के अंदर कचड़ा होता है वो छोड़ देती है गाय, सूखा खिलाने से ये फायदे होते हैं। आप कैसे खिला रहे हैं? हाँ, अभी आपने जो कहा था उसी के अनुसार खिला रहे हैं, और पहले जो खिलाते थे भिंगो करके, तो सुबह में भिंगोए तो शाम तक ले गंद आने लगता था उसमें, फिर खाता नहीं था, फेंका जाता था बहुत सा, लेकिन अभी तो नहीं है, सूखा दे रहे हैं तो सब है, ठीक ठाक है। अब नाद भी धोना नहीं पड़ा, अगले बार हर बार धोते थे, हर दिन धोते थे, अब सूखा है तो गंदा होगा नहीं। फार्मिंग के जब मैं आया था उस टाइम आप बता रहे थे कि फार्मिंग से संतुष्ट हैं, मतलब संतुष्टि नहीं मिल रही थी आपको, अब कैसा लग रहा है संतुष्टि? नहीं, ठीक लग रहा है। लग रहा है कि पास हो जाइएगा? हाँ पास, उस समय भी हमने कहा था कि हार नहीं मानने वाले हैं, लेकिन थोड़ा धोखा हुआ है, जानकारी शुरू शुरू में नहीं होती है, लेकिन अब जानकारी धीरे धीरे हो रही है, अभी तो 1.5 साल ही हुआ है, 1.5 साल 4 महीने, हाँ मान लेते हैं 1.5 साल के लगभग। हाँ, में तो इतना धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल, इस क्षेत्र में कभी नॉलेज नहीं था हमारा, कोई मतलब बैकग्राउंड भी नहीं था डेयरी का, तो नया शुरुआत किया था, तो आप तो पेशे से टीचर हैं? हाँ, पेशे से टीचर हैं, और ये पार्ट टाइम जॉब है, संडे है, इस वजह से आपका इंटरव्यू ले पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब मुझे ये बताइए कि इतनी गायों में से कितनी गाय मिल्क पे है और कितना दूध निकाल रहे हैं आप पर डे? एक गाय छोड़ करके सब मिल्क पर है। ओके। और 150-160 केजी पर डे 10 गाय से?
दस ही गाय मिल्क पे ना, ग्यारह गाय टोटल है, बाकी बछड़ी है। एक दो तीन चार ग्यारह बारह आठ, सात महीना का है तो अभी कम, अब नहीं है, दुहा रहा है लगभग 170 लीटर दूध हो रहा है। और सभी 45 रुपए के हिसाब से बिक रहा है, सर 45 रुपए का, कुछ 50 रुपए जो नया कस्टमर आ रहे हैं तो उनको 50 से कर रहे हैं। ओके, पहले का रेगुलर है तो उनको 45 कर रहे हैं, जो चला रहा है। ओके, तो लगभग आपका कितने का दूध हो जाता है पर डे, 7,000-8,000? हाँ वही जोड़ लीजिए, 150 को मोटा मोटा जोड़ लीजिए, 150 × 45 160 कीजिए, 170 दूध है उधर तो। हाँ तो है, लेकिन और घर में भी होता है, मतलब यूज होता है घर में यूज होता है। तो मान लेते हैं 150 लीटर के हिसाब से भी 7,000 तो हो ही जाएगा। हाँ, लगभग 2 लाख प्लस का दूध हर मंथ आ रहा है। बिल्कुल। और कितना खिलाने में कुट्टी वगैरह, लेबर कॉस्ट सब खिला करके मोटा मोटी 1.5 लाख रुपया खर्च हो जाता है, 50,000 इनकम है लगभग। आपने बताया कि लगभग 70,000 तक के दाना में खर्चा होता है, 70-75। हाँ, तो कुट्टी में भी, भूसा में हुआ, हरा चारा हुआ, इसके अलावा 3 गो स्टाफ हैं तो उनके लिए भी सैलरी का है, तो सब लगा करके मतलब मोटा मोटी 50,000 फायदे में हो गए आप। कितने दिन से चल रहा है फायदा? 3 महीना से लगभग। 3 महीने से 50,000 फायदे में है। आगे क्या प्लान है? अभी और बढ़ाने का है, सब स्पेस खाली ही है, दूध चाहे जितना बिक जाएगा। हाँ बिक जाएगा, डेयरी में जाएगा चाहे होटल में जाएगा, होटल तो अभी पकड़े ही नहीं है। मतलब 40 रुपये लेगा, 40 रुपये लेता है, 45 रुपये लेते हैं तो 40 रुपये लेता है लोग। अच्छा, आसानी से ले लेता है 40 रुपये, लेकिन होटल का तो कंसल्टेंट नहीं, क्योंकि हमारा रेगुलर कस्टमर ही इतना हो जा रहे हैं, और जूट भी नहीं रहा है, दूध जूट नहीं रहा, मतलब और दूध की जरूरत है। ओके, मतलब बढ़ाने का है, लेकिन अब इस गर्मी में बढ़ाना नहीं, अब नहीं बढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस गर्मी में इस गायों को मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं, आप पानी का सुविधा तो बहुत बढ़िया है, कुछ अब करने का ज़रूरत नहीं। अगर फोगर लगा दें, फोगर के जगह अगर स्प्रिंकलर लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। दूसरा ये चीज़ कि आप ये जो हमने बताया था कि ऊपर खोलने का सिस्टम, ये ज़रूर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब गाय चाहे मन के हिसाब से अपना पानी पिए, ये सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। ये सुविधा चाहे आप बड़े ड्राम में खुला गाय रख के करें, या फिर आपको इस तरह से बॉयल सिस्टम वाला बना कर करें, चाहे किसी तरह भी कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटा इनके सामने पानी होना चाहिए। मैं एक चीज़ और लास्ट में आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जो नए फार्मिंग करना चाहते हैं क्या कहना चाहेंगे? हमारे बिहार के अंदर एक कल्चर चला हुआ है कि भाई दाना कभी भी खिलाएंगे तो अपना ही खिलाएंगे, चोकर चुन्नी यही खिलाएंगे। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि भाई आपको मैं ये, जैसे फर्स्ट टाइम हमने आपसे मिला था ना जब 6 महीना पहले, तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप कोसी ही खिलाइए, मैंने ये कहा था कि संतुलित आहार खिलाइए जिसमें बैलेंस किया हुआ फीड है। तो आप इस बात को एग्री हुए और किसी दूसरे कंपनी का आप मंगवाए बैलेंस फीड, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं मिला, फिर आप कोसी पे आके यूज कर रहे हैं, कोसी अच्छा लग रहा है। तो कहने का मतलब ये बहुत जरूरी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे नए फार्मरों को जो इस चीज को नहीं मानते हैं, इस चीज पे नहीं टिके हुए हैं? जो हम शुरुआत के लिए कर रहे हैं ना, नया जो किसान शुरुआत करना चाहते हैं डेयरी फार्म का, तो उसे कहें कि हम 3-4 गाय शुरुआत करें, लेकिन 20 से ऊपर गाय वाले, 20 से नीचे वाला नहीं, शुरुआत नहीं करें। और संतुलित आहार चाहिए ही चाहिए, हम अपने मन से दे रहे थे चोकर खल्ली और दरा वगैरह सब, तो उससे हम देख रहे थे कि लाभ नहीं हो रहा था और बीमारी ज़्यादा हो रही थी। अभी जो चल रहा है मेरा पशु कोसी पशु आहार, तो उस समय से हम बीमारी से मुक्त हैं, तो लाभ तो है, संतुलित पशु आहार जरूरी है एकदम। मैं आपके पास कुछ मक्के का सत्तू वगैरह भी देखा हूँ, तो मैं क्लियर कर दूँ, इनके पास चोकर का बोरी भी देखा हूँ, तो मैं इनसे खुद जानना चाहूँगा कि इसको किस यूज के लिए रखते हैं। यहाँ पे हम लोग चोकर का बोरी देख रहे हैं, ये मेरा काफ स्टार्टर है, 2 बैग छूट गया था यहाँ पे, तो ये लेने के लिए मैं आया था। खास करके मैं वीडियो बनाने नहीं आया हूँ यहाँ पे, लेकिन एक है ना सर, मेरा ही है ना, बिल्कुल हाँ, आपका ही है, आपका ही है, मेरा ही है ना, इनके गाड़ी के साथ मेरा आ गया है। यहाँ पे चोकर किस लिए रखे हैं उसका जवाब चाहिए हमको, और यहाँ पे मकई का सत्तू ये किसके लिए है, यानी किन गायों के लिए देते हैं उसके बारे में बताएं। असल शुरू में जो आदत लगा हुआ था ना, चोकर मक्का सत्तू देते थे, तो आदत लगा हुआ, तो अभी चला रहे हैं वैसे ही, मतलब थोड़ा सा मिल जाता है चौथी में कुत्ते वगैरह में दाना रहता है तो थोड़ा सा हिलगड़ा रहता है, इसलिए है। और ये सत्तू पिला रहे हैं कि सबको आदत बन गया है, खाने के बाद थोड़ा सा कुछ चाहिए, हाँ सत्तू और मीठा पिला देते हैं तो संतुष्ट हो जाता है। नहीं, मकई का सत्तू तो आपको फायदा करेगा, लेकिन चोकर तो मैं नहीं कहूँगा खिलाने के लिए।
अच्छा अच्छा तो चोकर में बहुत धांधली है और चोकर हमारे बिहार में सबसे ज्यादा महंगा है और उसमें कुछ नहीं है सिर्फ फॉस्फोरस के अलावा, बिल्कुल सही है ना। तो उसको उसको खिला के कोई मतलब नहीं है। मक्का से एनर्जी वगैरह मिलेगा और एनर्जी बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो प्रेग्नेंट करने में हो, बच्चा देने में हो, और दूध वगैरह में भी बहुत सारे जगह पे मक्का का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। तो मक्का खिलाएंगे अगर आधा के जी एक दिन का एक्स्ट्रा तो वो ठीक है। ओके, बहुत अच्छा लगा। फिर किसी 6 महीने बाद आएंगे। कुछ बस देखिए, किसान हैं तो ये सब जो खेत का है अपना है। देते हैं, ये सब देते हैं, जो बचा हुआ है, जो बिक्री नहीं हुआ तो अपना दे दिए, ये सब ही थोड़ा थोड़ा सबको ये भी खिला देते हैं सब। मतलब होता है कि सब कुछ नया नया चीज मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ठीक है ये सब तो। और पपीता वगैरह भी सब है, वो भी सब देते हैं। पपीता भी इनका बाहर लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो ये सब भी थोड़ा बहुत खिलाते रहते हैं। पका हुआ है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। फिर नेक्स्ट 6 महीने बाद कोशिश करेंगे, आएंगे और आपके फार्म पे कुछ अलग देखने की कोशिश रहेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे फार्म के बारे में बताए, कैसा इनका चल रहा है फार्म, पूरी जानकारी हमने ली और क्यों जरूरी है एक संतुलित पशु आहार, यानी एक बैलेंस फीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर ना करें, इस पर जरूर आए ताकि हमारा फार्म हमेशा के लिए बढ़िया चल सके। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।